चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले कनाडा इमिग्रेशन प्रोग्राम जो नया लॉन्च हुआ है पीआर के लिए, तो वो बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में जाएंगे, उनके एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्राइटेरिया है, वो सब अब डिटेल में बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सबसे पहले हमारे टॉपिक पर आते हैं, जो है AIIP ने जो प्रोग्राम लॉन्च किया था अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम पीआर के लिए, वो प्रोग्राम वो लोग ने सस्पेंड कर दिया है। वो प्रोग्राम में क्या था कि जो अगर आप वर्क परमिट पे हो तो 6 मंथ ऑन फील्ड जॉब चाहिए, और वो ऑन फील्ड जॉब हो तो आप इजीली पीआर कर सकते हो। तो वो प्रोग्राम अभी अल्बर्टा गवर्नमेंट ने पॉज कर दिया है, सस्पेंड कर दिया आई थिंक 1 or 2 years के लिए। तो इससे अच्छा भी वो लोग ने एक बेटर गुड न्यूज़ दिया है, वो प्रोग्राम अल्बर्टा गवर्नमेंट ने नया प्रोग्राम लॉन्च किया इमिग्रेशन स्ट्रीम प्रोग्राम। तो वो प्रोग्राम की हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सबको पता है या फिर नहीं पता है तो वीडियो में देख लीजिए कि अल्बर्टा गवर्नमेंट को गुड स्किल पीपल की ज़रूरत है। तो सबसे पहला हो गया हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, फिर हो गया कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और एग्रीकल्चर फील्ड। तो ये सारे प्रोग्राम हैं जो ये लोग को गुड फील्ड स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है। और पांचवा जो नया प्रोग्राम आया है वो है टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। तो जैसे इन्होंने बताया कि अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू 2 new updates आए हैं। जो पहला अपडेट था वो फरवरी 13 को और दूसरा फरवरी 15 को आया था। तो एक है जो थोड़ा हमें लो फील करा सकता है, लेकिन दूसरा है ऑन दी अदर साइड जो हमें बहुत ही पॉजिटिविटी दे सकता है। तो पहला अपडेट जैसे बोला कि उन लोगों ने करंटली एक पॉज रखा है और एक इमिग्रेशन प्रोग्राम को सस्पेंड किया है जिसका नेम है अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम। उसको उन लोगों ने परमानेंटली या फॉरएवर के लिए सस्पेंड नहीं किया, उन लोग को एक टेम्पररी पॉज दिया क्योंकि वो लोग एक दूसरे सेक्टर में बहुत सारे कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और जो अभी दूसरा सेक्टर है वो क्या है, तो वो हमने बोला जैसे कि हेल्थ केयर है, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म है, कंस्ट्रक्शन है, एग्रीकल्चर है। तो वो जो सब फैक्टर है उसमें उन लोग को कैंडिडेट का बहुत नीड है, और वो गैप फिल करने के लिए करंटली उन लोगों ने फर्स्ट प्रोग्राम पे पॉज रखा है। तो अभी आपको बेटर समझ में आएगा कि एग्जैक्ट उन लोगों ने पॉज क्यों रखा है। और जो बंदे उन लोग में पॉज में आ चुके हैं, जैसे कि जिस दिन ये अपडेट आया फरवरी 15 को, उससे पहले जिन जिन लोगों ने उसके लिए अप्लाई कर दिया होगा उन लोग को कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि उन लोग का जो भी फाइल है वो अच्छे से AIIP रिव्यू करेगा और एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जिन लोग का फाइनल फी पेंडिंग था, उन लोग का ये सबमिशन हुआ होगा फाइल का, वो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा उन लोगों ने वेबसाइट पे बोला है। और उसके बाद जो अप्लाई करेंगे वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अभी बात करेंगे पॉजिटिव पॉइंट वाले की, कि अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम के जो नया सेक्टर उन लोगों ने ऐड किया है कि हेल्थ केयर एंड टूरिज्म, तो उन लोगों ने इस सेक्टर को क्यों चूज़ किया। तो एज पर रिसर्च, हमने जब रिसर्च किया तो देखा कि इन 2022 देर वॉज टोटल 11.5 billion रेवेन्यू फ्रॉम इंडस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, और ऑल ओवर द कैनेडा 11% हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर है वो अल्बर्टा थ्रू जनरेट होता है। और इसलिए जैसे मैंने आपको बोला कि 11.5 billion रेवेन्यू जनरेट हुआ था और अप्रोक्स 80,000 फुल टाइम जॉब्स यहाँ पे थी, उन लोग को ये अफेक्ट करता था, तब अल्बर्टा गवर्नमेंट अवेयर हुई कि उन लोग को इस सेक्टर में कैंडिडेट मोर चाहिए, और इसलिए उन लोगों ने ये नया अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम लॉन्च किया और जो पहले वाला था उसको टेम्पररी पॉज दिया। तो अभी देर आर सम, उन लोगों ने जब लॉन्च किया इसको तो उन लोगों ने थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। तो उसमें क्या है, अगर सबसे पहले जो बंदा रहेगा उसको विद इन 6 month वर्क फुल टाइम अगर वो अल्बर्टा में करेगा तो उसको पीआर के लिए अप्लाई हो जाएगा, लेकिन वो फुल टाइम जॉब रहना चाहिए, नॉट सीजनल, ओके, ये आपको खास ध्यान में रखना है। और दूसरा कि फर्दर रिक्वायरमेंट क्या है वो किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि वो जब अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम लॉन्च करने वाली है 1 March को, इसके लिए कि 1 March से आप अप्लाई कर सकते हो उस स्ट्रीम के लिए, तब से वो लोग प्रॉपर क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको उस वेबसाइट पे मिलेगी कि भाई ये रिक्वायरमेंट है, आपको अगर ये फिलफिल करेगी तो आपको इजीली पीआर मिल जाएगा। किसके थ्रू, जो मैंने सेक्टर ऑलरेडी बता चुका हूँ वो। तो इसलिए, और उसने अभी कोई पॉइंट्स इतना रखा नहीं कि इतना कट ऑफ रहेगा तो इजीली हो जाएगा। दूसरा एडवांटेज ये है कि आपका जो ये नया पीआर वाला फाइल रहेगा वो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड चेक होगा, क्योंकि उन लोग को बहुत नीड है,
और वो लोग प्रिपेयर होना चाहते हैं अपकमिंग ईयर के लिए। आप समझ रहे हो कि जैसे ग्रो होगा, अगर यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी मिलेंगी तो और सारे ट्रैवलर और टूरिस्ट होंगे, वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, और इसलिए ये लोग बहुत सारा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं अपने टूरिज्म को, और थोड़ा अपना इकोनॉमिकल डाइवर्सिफिकेशन लाना चाहते हैं। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि 80-75% ये एनर्जी सेक्टर पर बेस्ड है, तो उन लोग को ये चेंज करना चाहते हैं। ये लोग टेक्नोलॉजी वाले को बंदे को यहाँ पे लेना चाहते हैं, तो आईटी आ जाएगा, और हेल्थ केयर में थोड़ा पीछे है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा फ्री है, लेकिन कैंडिडेट बहुत कम है जो हमें सर्विस दे सकते हैं। और एग्रीकल्चर है, कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा तो पब्लिक और अट्रैक्ट होगी, और यहाँ पे हाउसिंग का प्राइस थोड़ा कम हो सकता है। तो इन लोगों ने ये सब फैक्टर को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए ये नया लॉन्च किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई करो। और मैं आपको प्रोटिप यही दे सकता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और आपको इंटरेस्ट है, तो ट्राई करो, आप हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म कोर्स लेके आओ, तो आपका पीआर लेना बहुत ईजी हो जाएगा कम्पेयर टू अदर। और दूसरा रहेगा हेल्थ केयर है, टेक्नोलॉजी है, पे बहुत ही कॉम्पिटिटिव है यहाँ पे हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी के लिए भी, तो आप वो भी दे सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आगे आपको हैनिल बताएगा कि और कुछ आपको नोट डाउन करना है या नहीं। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो दिनेश ने समझाया, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ये चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करो। और अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी है या कुछ भी पूछना है हमको, तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स आपको अब स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, वहाँ पे मैसेज करो। और अगर हम कभी भी या कुछ भी क्या बोलते हैं थोड़ा टाइम लेके रिप्लाई करें, तो समझना हमारी थोड़ी एग्जाम होगी, उसकी वजह से होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट, जय श्री राम।